अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, ढेर सारी खुशियाँ दे, आमीन सुम आमीन। तो अभी मैं बना रही थी आलू मटर और मेथी, बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही लजीज बनती है और वेजिटेबल है, खाना चाहिए, इससे हमारे जिस्म में खून बनता है और फ़ायदे होते हैं। सब्जियों के गोश्त तो हम खाते हैं मोस्टली, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम सब्ज़ियों का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो प्रोटीन हमें इससे, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, हर तरह के विटामिन मिलते हैं हमें, तो फ़ायदे ही हैं वेजिटेबल खाने से। तो आइए अब मैं बना रही हूँ आज वेजिटेबल और भुजिया टाइप सी झटपट बनाऊँगी, तो आइए रेसिपी की तरफ आते हैं, स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल डाल दिया और ये अदरक लहसुन और एक हरी मिर्च डाल के मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। इसको मैं भूनूंगी अच्छे से और भूनने के बाद इसमें मैं मेथी डालूंगी। मेथी पहले मैंने अच्छे से भून ली, आप कसूरी मेथी भी ले सकते हैं और ये फ्रेश भी ले सकते हैं, फ्रेश ज़रा ऑर्गेनिक होती है वो, कसूरी भी अच्छी होती है, मुझे तो बहुत पसंद है, बट इसके फ्रेश के ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो अच्छे से मैं अदरक लहसुन को भूनूंगी, फिर भूनकर इसमें जो मेथी मैंने अच्छे से धो ली, धोने के बाद इसे काट ली। पहले इसका असूल ये होता है फ्रेश मेथी का, हम पहले से अच्छे से वॉश आउट करें और फिर कट करें। अगर हम पहले कट करेंगे और फिर धोएंगे तो ये हमारी कड़वी हो जाएगी, बिल्कुल खाने के काबिल ही नहीं रहेगी। तो आप पहले इसे अच्छे से धो लीजिए, इसके बाद मेथी डालिए और अब मैं इसे अच्छे से भूनूंगी और इसमें मसाले शामिल करूंगी बिल्कुल सिमटर हुए, नमक, मिर्चें, हल्दी, धनिया और सूखा धनिया और साबित धनिया, नमक, ये सब चीज़ों को डाल के इसमें शामिल कर दूँगी और इसे अच्छे से मेथी को पकाऊंगी। और जनाब इसको मेथी को अच्छे से भूनने के बाद अब मैं इसमें ये गाजर और मटर इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शामिल कर दूँगी। बाद लोग इसमें टमाटर डालते हैं, मेरे पास टमाटर है बट मैं इसमें दही डालूँगी, दही से बहुत प्यारा टेस्ट आता है। बस मटर और गाजर को मैं मेथी में अच्छे से पकाऊँगी और इसको इसी के पानी में गलने के लिए छोड़ दूंगी और इसमें मैं थोड़ा सा कोरमा मसाला डालूंगी, आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, इससे हमारी सब्ज़ी में टेस्ट आता है। तकरीबन 1 टेबल स्पून लूंगी और जो मैंने मसाले डाले वो भी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ले लीजिए, 1-2 जितने भी आप पसंद करते हैं। बस इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है मेथी की, तो मेरे मेथड से बनाइएगा और कोरमा मसाला अगर सब्ज़ी में आप डाल देंगे किसी भी सब्ज़ी में तो बहुत प्यारा टेस्ट आता है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसमें दही शामिल कर दिया, अगर आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं, मर्ज़ी आपकी, टमाटर या दही इसकी थोड़ा खट्टा करने के लिए। बस इसे फिर अब मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि दही अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर इसकी भुनाई करूँगी। देखते हैं सालन को, भंडिया को, सब्जी को किस तरह बनी है। तो ये देखिए मोटी कुटी दरदरी लाल मिर्ची होती है वो इसमें शामिल करूँगी और ये 3 अदद हरी मिर्ची हैं वो शामिल करूँगी। मैं ज़रा तीखी मिर्ची तेज़ खाती हूँ मिर्चें, इसीलिए 3 अदद हरी मिर्चें और 1 टेबल स्पून इसमें दरदरी मिर्ची होती है शामिल कर। बस इसे फिर अच्छे से पकाऊंगी और थोड़ा सा इसमें मैं गरम मसाला शामिल करूंगी 1/2 टेबल स्पून, इससे बहुत प्यारा जायका आता है हमारी सब्ज़ी में। और बस अब इसे मैं भून दूँगी, अच्छे से भूनने के बाद मैं इसे डिश आउट कर। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ, कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, आमीन सुम आमीन। बस मैं इसे डिश आउट करती हूँ, आपको इसका क्लोज़अप।
ये देखिए जनाब, हमारी आलू सॉरी मेथी और गाजर और मटर की भुजिया कह दीजिए या तरकारी कह दीजिए, बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी तैयार है। आप भी मेरे मेथड से फॉलो कीजिएगा, बनाइएगा, बताइएगा आप लोगों की सब्ज़ी कैसी बनी। और देखिए माशाल्लाह तकरीबन आधा घंटा लगा है, माशाल्लाह झटपट रेडी हो गई, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने बैगन भी बनाए थे, उसकी भी रेसिपी है, मिक्स सब्ज़ी बनाई थी जिसे बावली भुजिया कहते हैं, वो भी मैंने बनाई है रेसिपी। अगर आप मेरी ओल्ड रेसिपीज़ में देखें तो वो भी बहुत मज़े की बनी थी, ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।